हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सैयद बंधुओं से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, मुगल पीरियड में बहुत सारे दल हुआ करते थे। एक ऑथर हुए हैं विलियम अरविन करके, तो उन्होंने कहा था मुगल पीरियड में बहुत सारे दल हुआ करते थे, लेकिन उनमें से चार दल बहुत ही प्रमुख थे। उसी से संबंधित क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं के दमन में निम्नलिखित में से किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। दरअसल ये सैयद बंधु जो था एक प्रकार का गुट था, दो भाइयों का खास करके ये गुट था। इन्होंने चार मुगल बादशाहों के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो चार मुगल बादशाह कौन कौन थे? फरुखसियर थे, रफीउद्दरजात थे, रफीउद्दौला थे और मोहम्मद शाह रंगीला। ये चार जो मुगल बादशाह थे उनको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कहा जा रहा है इनमें से किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है, सैयद बंधुओं के दमन में। मतलब ये चारों भाइयों की एक प्रकार से प्रसिद्धि को देखते हुए कुछ दल इनको दबाना चाहते थे। आइए बात करते हैं। ये जो तीन दल हैं, अफगानी, तुरानी, ईरानी, ये जो पहले तीन दल हैं, ये एक प्रकार से मध्य एशिया से संबंधित कह सकते हैं, और हिंदुस्तानी लोकल। तो ये जो सैयद बंधु थे, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो ये हिंदुस्तानी दल थे। सैयद बंधु क्या थे? हिंदुस्तानी दल थे। अफगानी और तुरानी की बात करें दोस्तों, ये दोनों दल जो थे, जैसे कि मुस्लिम संप्रदाय में सुन्नी जो है उससे संबंधित थे, और ईरानी जो थे वो सिया से थे, ठीक है। इसमें जो था अफगानी, तुरानी और ईरानी में, जो तुरानी वाले थे वो निजामुल मुल्क इनका नेतृत्व कर रहे थे, और इसमें हम देखते हैं ईरानी दल में, इसमें बुरहान मुल्क आप देखते हैं वहां पर, सादत खान वगैरह थे, और यहाँ पर जो आप देखते हैं अली मोहम्मद अफगानी दल का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये प्रमुख दल थे जो नेतृत्व कर रहे थे भारत में बादशाहों को बनाने। तो इनका दमन आखिरी में कर दिया जाता है तुरानी दल के द्वारा। याद रखेगा, निजामुल मुल्क इनका नेतृत्व कर रहे थे और उनके द्वारा सैयद बंधुओं का अंत कर दिया। तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, अली गोहर किसका नाम था? जी हाँ, अली गोहर से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये एक नाम दिया गया था किसका? शाह आलम द्वितीय का, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या शाहजहां से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय का नाम अली गोहर रखा गया था। इनका कार्यकाल 1759 से लेकर 1806 तक रहता है। दोस्तों ये वही शासक है शाह आलम द्वितीय, या यूं कहें अली गोहर, जिसके कालखंड में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी डिटेल में बताते हैं। फॉल ऑफ मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एक बहुत प्यारी सी किताब है, जिसमें मुगल एम्पायर के बारे में हमको अनगिनत चीजें मालूम पड़ती है, कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? सर जदुनाथ ने, सतीश चंद्र ने, लेनपूल ने या स्मिथ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर जदुनाथ ने। सर जदुनाथ सरकार ने इस पुस्तक को बखूबी बहुत अच्छे से लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल एम्पायर के पतन का प्रमुख कारण क्या था? अगर आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको ये सारा पॉइंट बाय पॉइंट मालूम हो जाएगा। तो मुगल एम्पायर जो था, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? चार ऑप्शन है, अयोग्य उत्तराधिकारी, सैनिक अदक्षता, मराठों का उत्थान या आर्थिक दिवालापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अयोग्य उत्तराधिकारी। आप सभी को मालूम ही होगा, जैसे ही बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखी, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और उसके बाद जो अनगिनत ये छोटे छोटे राजा आने लगे, जो सम्राट आए, वो कहीं ना कहीं अक्षम थे साम्राज्य को चलाने में, समाज को एक सूत्र में पिरोने में, जिस कारण से अयोग्य उत्तराधिकार के कारण ये साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पानीपत का थर्ड वार। आप सभी को पता है पानीपत की तीन लड़ाई लड़ी। पहली लड़ाई आपको पता है, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी 1526 में, मालूम ही होगा, जिसमें दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है और मुगल साम्राज्य बाबर स्थापना कर देता है। और ये जो है, और दूसरा वाला आपको पता होगा, हेमू वाला लड़ाई, ये 1556 के आसपास। और ये तीसरा जो लड़ाई था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लड़ाई से मुगलों को लेना देना नहीं था। दरअसल ये लड़ाई किसके साथ हुई थी, यहाँ क्वेश्चन है कि समय मुगल सम्राट कौन था। तो मुगल सम्राट, जैसे 1761 में ये लड़ाई लड़ी गई, वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुगल बादशाह कौन था उस वक्त? उस वक्त था शाह आलम। कौन था? शाह आलम सेकंड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो पानीपत का तृतीय शाह आलम, और ये इनका कार्यकाल 1859 से
सॉरी 1759 से 1806। और इसके बाद जो दो और राजा आए, जो बादशाह है मुगल, अकबर द्वितीय, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, और उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय, और जिनका टाइटल था जफर, बहादुर शाह जफर भी कहते थे क्योंकि वो जफर नाम से कविता वगैरह लिखते थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर मिल गया होगा। इनके कार्यकाल में बहुत सारी अनगिनत घटनाएं घटी थी, जैसे कि 1761 में देखते हैं क्या कहते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। ये लड़ाई लड़ी किसके बीच गई थी, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। वो लगभग 7 बार भारत पे अटैक कर चुका था, आया दिल्ली में, यहाँ से जो रघुनाथ राव, ये मराठा जो है भारत की अगर मैप की बात करें यहाँ से, तो मराठा यहाँ का शासन था, तो ये लोग दिल्ली पहुंच गए थे और यहाँ पर उधर से अहमद शाह अब्दाली, तो यहीं पर लड़ाई हुई थी काफी। 14 जनवरी 1761 याद होना चाहिए, 14 जनवरी 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, भयंकर लड़ाई हुई। तो कहा जाता है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, पानीपत का तीसरी लड़ाई ने क्या ऐसा किया भारत में? तो इस लड़ाई ने भारत में एक चीज निर्धारित कर दी कि अब भारत का राजा कौन नहीं बन सकता, मराठे। इस लड़ाई खास करके एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उसमें लिखा हुआ है, पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह निश्चित कर दिया कि भारत का अब राजा मराठे नहीं बन सकते, बिल्कुल भी नहीं बन सकते, क्योंकि मराठों को बुरी तरीके से हराया गया था। जो मराठे के पता ही है ना, मराठे में शिवाजी ने स्थापना की, शिवाजी, उसके बाद फिर मराठों में भी उसके बाद पेशवा का साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर हम देखते हैं इस लड़ाई का इंपोर्टेंस हुआ है। तो यहीं पर जो हम बोल रहे थे शाहआलम द्वितीय, जिनका अली गोहर नाम है, 1759 से 1806, इन्हीं के कालखंड में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इनका नाम अली गोहर था, और 1788 में इनको क्या कर दिया गया, अली गोहर को, जिसका नाम शाहआलम द्वितीय, इनको अंधा कर दिया गया था दोस्तों। जी हाँ, अंधा कर दिया गया था। और 1765 में आप सभी को पता है इलाहाबाद की दूसरी संधि, 26 लाख इनको पेंशन दिया जाता था, ये सब पेंशन भोगी मात्र बन के रह गए थे शाहआलम द्वितीय, उसके बाद आप देखते हैं अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर सेकंड, ये सब पेंशन भोगी मात्र थे। और ये बाद में जो अवध के जो नवाब थे उनसे अब इलाहाबाद और कड़ा का कुछ एरिया लेके इनको नाम मात्र का दे दिया गया था शाहआलम द्वितीय को, ठीक है। और उसके बाद 1788 में इनको अंधा कर दिया गया, और 1802 में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, 1802 में क्या किया गया था दोस्तों, दिल्ली पे किसका अधिकार हो गया, दिल्ली पे अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश एम्पायर, याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1802 में अंग्रेजों का शासन कहां पर हो गया, दिल्ली पे हो गया। अब मुगल तो नाम मात्र के थे ही, ये सारे पेंशन भोगी थे, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको समझ आएगा, इसके साथ जो विश्लेषण हमने किया वो सारा आपको समझ में आएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप देखने के लिए चैनल पे आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।